हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 NCERT हिंदी बुक रिम झिम से चैप्टर 2 फसलों के त्यौहार की क्विज। तो इस क्विज से आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। और हाँ, लास्ट में आप मुझे अपने मार्क्स बताना बिल्कुल मत भूलना। इससे पहले हमने राग की रस्सी की क्विज भी बना रखी है, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके उस क्विज को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 को। असम का प्रमुख नृत्य कौन सा है? असम राज्य में मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शंस हैं बिहू, भांगड़ा, कथक, हिप हॉप। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है बिहू। अगर हम आपसे कहें कि बिहू का त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आप झट से बता देंगे कि इसका जो सही जवाब है वो है असम। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2, आदिवासी लोग किसकी पूजा करते हैं? आपने चैप्टर में पढ़ा कि झारखंड के आदिवासी लोग किसकी पूजा करते हैं। ऑप्शंस हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, प्रकृति यानी नेचर, या फिर हनुमान जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्रकृति यानी नेचर। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड या फिर केरल। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। झारखंड के आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड या फिर केरल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। बच्चों, जो तमिलनाडु राज्य है ना, वो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस दिन हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है और नए चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखा जाता है। और जब दूध में उफान आ जाता है तो उस समय बोला जाता है पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। और उस मटके के मुंह पर साबुत हल्दी को बांधा जाता है, क्योंकि हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। चापाकल का क्या अर्थ हो सकता है? इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, चापाकल का क्या अर्थ होता है? आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चापाकल की आवाज रह रहकर आ रही थी। पहले इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, चप्पल, नल, कल या फिर टंकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नल। इसको हम हैंडपंप भी कहते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। सरूल के त्योहार के अवसर पर नृत्य करने के बाद घर जाकर लोग किसका पौधा लगाते हैं? ऑप्शंस हैं फूल का, फल का, आम का या फिर सब्जी का। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है फूल का। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। गया किसके लिए प्रसिद्ध है? गया बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो आपको बताना है कि गया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं मसालों के लिए, साड़ी के लिए, तिलकुट के लिए या पशुओं के लिए। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है तिलकुट के लिए। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8, पूजा करने के बाद आदिवासी औरतें किसका फूल कानों में पहनती हैं?
ऑप्शन है सरई का, गुलाब का, गुड़हल का। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, सरई का। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा या फिर केरल। इसका जो सही जवाब है वो जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है केरल। आपने देखा होगा ओणम के मौके पर केरल में नावों की दौड़ होती है। बहुत सारे लोग एक ही नाव पर बैठकर नौका रेस करते हैं, बोट रेस करते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बिहू का त्यौहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, असम या फिर सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, असम। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। सरहुल का त्यौहार कितने दिनों तक चलता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मकर संक्रांति के त्यौहार को झारखंड में सरहुल का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। और ये त्यौहार कितने दिनों तक चलता है, पहले इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 4 या फिर 6। सरहुल का त्यौहार 4 डेज तक चलता है। पहले दिन क्या होता है, साल के पेड़ की पूजा होती है। और जिस दिन ये लोग साल के पेड़ की पूजा करते हैं ना, तो स्त्री पुरुष ढोल मंजीरे लेकर नाचते हैं अपने अपने घरों में, कमर में बाहें डालकर। दूसरे दिन क्या करते हैं, नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे भी लगाते हैं। और इसके अलावा वो लोग चंदा भी मांगते हैं, और चंदे में क्या मांगते हैं, मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। और तीसरे दिन क्या करते हैं, वो लोग पूजा करते हैं। और चौथे दिन कानों में सरई का फूल पहनते हैं और धान की पूजा करके आशीर्वादी धान को अगली फसल की बुआई के लिए रख देते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बोरसी से क्या आशय है? ऑप्शंस हैं तवा, मटका, अंगीठी या ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है अंगीठी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। गया के तिल, चीनी के तिलकुट, गुड़ बड़े चाव से खाया जाता है, यह किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बिहार। गया जो है वो बिहार राज्य में एक जिले का नाम है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। उम्मीद का अर्थ हो सकता है, आपको बताना है उम्मीद का और क्या अर्थ हो सकता है, आशा, अपनापन, तरीका या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है आशा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य में मकर संक्रांति के दिन पतंग के बिना त्यौहार अधूरा रहता है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर त्रिपुरा। अपने चैप्टर में पढ़ा था ना कि गुजरात में पूरा आसमान पतंगों से ढक सा जाता है। वहाँ पर हर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आयु का हो, धर्म का हो, जाति का हो, सब लोग पतंगे उड़ाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर कुमायूं की जगह पर उत्तराखंड लिखेंगे, क्योंकि जो कुमायूं है ना वो उत्तराखंड के एक मंडल का ही नाम है। तो उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। फसलों के त्यौहार पाठ क्या है? यात्रा वर्णन, कहानी
लेख या फिर नाटक। इसका जो सही जवाब है वो है लेख। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा फसलों के त्योहार लेख। लेख कहते हैं निबंध को। फसलों के त्योहार एक तरह का निबंध ही है। बच्चों, इस चैप्टर में खरीफ के फसलों की बात की गई है। आप जानते हैं चावल, अरहर, मूंगफली, गन्ना, ज्वार, मक्का, कपास, हल्दी और दालें, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। हमारे देश में ना दो तरह की मुख्य फसलें होती हैं। एक होती हैं रबी की फसलें, दूसरी होती हैं खरीफ की फसलें। बच्चों, भारत में फसलों से जुड़े हुए त्यौहार मुख्यतः जनवरी से मध्य अप्रैल तक मनाए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।